उस दिन तो लै के तुसी आज तक उन्हां दी असल ताकत बने। अज मैनू तुहानू वेख के अज मेरा हौसला होर वध गया है कि आपां इंशाला एक मोठा, और जैसा कि मैं पहले कहा कि आजाद आपां नूं ही हासिल है। अज मेरे कोई अगर हौसले की कमी सी, अज वह भी दूर हो गई। इंशाला वक्त दूर नहीं कि आपां इंशाला अपना नाम दोबारा पैदा करांगे। वालद साहब ने जिस तरह 40 तो 50 साल सियासत की, तुसां उन्हां दी हर वेले इज्जत की, कंड भरी, कोई साथ च कमी नहीं छोड़ी। फिर मैं एक चीजा नहीं गिणावांगा, यह होया वो होया, ये साडा घर सी। जिधरे जोगा कोई बंदा आउंदा घर नूं संवारदा, ते असल ताकत असल स्ट्रेंथ मेरी मेरे वालद साहब दी तुसी सी। आने वाले इलेक्शन च 17 जुलाई नूं जिहड़ा इलेक्शन आ रहा, आपणा जिहड़ा रिजल्ट है सिर्फ 96-12 दा, वह हर प्लेटफॉर्म ते डिस्कस किया जाए, वह लाहौर की सियासत च डिस्कस किया जाएगा, वह बनी गाला की सियासत च डिस्कस किया जाएगा कि चौधरी आदल की कांड कितनी क भरन हुई। जिस तरह तुहानू पता वालद साहब सारी जिंदगी सियासत करते रहे, उतार चढ़ाव सियासत का हिस्सा ने, लेकिन असल मेन वजह उन्हां दी बीमारी बनी, उन्हां दी तबीयत की नासाजी की वजह नाल वह थोड़े जे सियासत किनारा कशी कर गए, जिस तरह हालात बन गए। अगर उन्हां दी सियासत अगर उन्हां दी सेहत खराब ना होती तो कहिंदे सी मैं किसी नूं भी नहीं खंघदा, ते ये सारे टिकट भी अपने कोल सी, सारा कुछ अपने कोल सी, लेकिन मेरी सेहत इजाजत नहीं दिंदी। लिहाजा उन्होंने वफात तो बाद मैं 3 साल हो गए सियासत को प्रॉपर ज्वाइन किया, और जितने योगा होया मैं अपड़िया। इस तो अलावा 3 साल में आप मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना, थोड़ी वजह नाल आपां इस जो भी मामलात बने, अपना इस इलेक्शन विच फेवरेट उम्मीदवार सी, मैं तुहानू यकीन दिलाना कि मैं सियासत सिर्फ अपने 2 वजह नाल कर रहा, वालद साहब दे नां ते दोबारा 96 दा नां दे वजह नाल। तुसीं वालद साहब दा साथ दिंदे आए, अपना 96 पूरे पाकिस्तान च गूंजिया, इहदा नाम पूरे पाकिस्तान च रोशन होया। यह इलेक्शन आ गया, आपां इहदे उम्मीदवार सी, आपां अच्छे उम्मीदवार सी, फेवरेट उम्मीदवार सी, आपां अगर उम्मीदवार होंदे ते अज हालात हाले भी बेहतर ने, इस तों भी बेहतर होंदे सी। जो भी मसला बन गया टिकट दी वजह नाल, जो भी होया, लेकिन इमरान खान नूं छड्डना इमरान खान नाल ज्यादती नहीं, तुहाडे नाल ज्यादती, अपनी आने वाली नसलां नाल ज्यादती, इस मुल्क नाल ज्यादती होनी सी। यह इलेक्शन इस टाइम 96 का नहीं, पीपी 202 का नहीं, मेजर का नहीं, राय साहब का नहीं, इलेक्शन गैरत का इलेक्शन है, अपनी आने वाली नसलों का इलेक्शन। इमरान खान जो कि तुहानू पता है अपना मुल्क चुके इस टाइम वेंटीलेटर से ही है, यदि एक आखिरी उम्मीद सी। 3.5 साल उस बंदे ने इस तमाम तनकीदा बर्दाश्त करते होया इस मुल्क नूं पैरां ते खड़ा करन दी कोशिश की, और किसी हद तक वह कामयाब भी होया, लेकिन जदों मुल्क अपने पैरां ते खड़ा हो रहा सी, ना ये पाकिस्तान दुश्मन हुकूमतां नूं पसंद है, तो ना ही इस अपने करप्ट टोले जिन्हां के 50 साल हो गए इस मुल्क नूं दीमक की तरह खा रहे, लिहाजा अमरीका नूं पसंद नहीं आया, लिहाजा ये इलेक्शन अमरीका की गुलामी ना करन दा इलेक्शन। मैं क्या ये लोकल इस टाइम अपनी सियासत का इलेक्शन नहीं है, ये बहुत दूर का इलेक्शन है, अगर आप इस भी लापरवाही की तो आप दोबारा टाइम नहीं आना। इमरान खान मैं समझना कह दिया उस बाद अपनी आखिरी उम्मीद है, और इस तो अलावा टिकट का मसला बनया, पार्टी ने आपां नूं
अलहमदुल्ला पार्टी की आला क्यादत ने आके आपां इतमाद च लिया। हुण मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि आने वाला टाइम इंशाला अपना होगा, अपनी एक वाजा पोजिशन होगी। तो इस तों इलावा मैं गल करांगा कि पनसार साहब सर निसार कौसर साहब ने गल की कि जमहूरीयत है बिल्कुल, कुछ मुजज़ीन कुछ मेरे भाई कुछ मेरे बुजुर्ग इस टाइम अपने खिलाफ जा रहे हैं। एक एक लिहाज नाल इमरान खान की उस गल की तईद कर रहे हैं कि हम कोई गुलाम हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि असं चौधरी या आदल सईद या चौधरी के गुलाम नहीं, असं अपनी मर्जी करते, लेकिन कम अज कम उन्होंने ये थोड़ा जहा सोचना चाहिए सी कि किस बंदे नूं सपोर्ट कर जिन्हें चंद रुपया की खातर इस मुल्क का सौदा करता। हाँ, अगर मेरे नाल कोई इख्तलाफात उन्होंने अगर उन्होंने मुखालफत मेरी मुखालफत जायज सी, अगर उन्होंने इख्तलाफात जायज हो, अगर ये उन्होंने इख्तलाफात मेरे नाल जायज नहीं तो फिर उन्होंने ज्यादती बनती, लेकिन कोई नहीं इंशाला आप उम्मीद हाँ। मैं पता मेरे पिंड का एक एक बच्चा एक एक बुजुर्ग एक एक छोटा भाई वड्डा भाई मेरे नाल है, 96 के रिजल्ट किसी किस्म की कमी ना आई है ना आएगी। इस तों इलावा मैं तुम कह रहा कि इन्ह तिना साल मेरे को मैं जो बकायदा सियासत का आगाज किया कोई मेरे को किसी नाल कोई ज्यादती या कोई कुताही हो गई तो मैं उसकी माफी चाहूँ। मेजर साहब का इलेक्शन है, मेजर साहब ने ते राय साहब ने पूछा कि अज जलसा आदल 96 दसी आई है, मैं नहीं जी कोई लोड़ नहीं, मेरा तो मेरे घर वाले का मसला, उन्हें मेरी गल सुननी तो मैं उन्होंने अपनी गल सुनानी। ते मैं इस तुहानू अपने पिंड वालियां नू बेहद एप्रीशिएट करदा जिन्होंने हर लालच नू परां सटदे होया खंबे दी बिजली दी सोलंग दी तुसी मेरी कंढ भरी, तुसी मेरी असल ताकत हो, तुसी मेरी पहचान। ते आखिर च मैं आखांगा कि परसों इंशाला इमरान खान का जलसा है तो मैनू कोई बंदा घर नज़र ना आवे, सारे उत्थे उत्थे हो, क्योंकि वह जलसा आप नहीं पाकिस्तान नहीं दुनिया वेखेगी इंशाला, 96 की जगह पूरी दुनिया वेखेगी, तो पूरी दुनिया वेखेगी, ये भी अपने वास्ते बड़ा आजाद है। तो इंशाला आखिर मैं तुम्हें खुशखबरी देव, असं इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन अपना इलेक्शन है, किसी का इलेक्शन नहीं है, तो असी कंपेन भी कर रहे हैं भरपूर तरीके नाल, मैं तुम्हें आखिर खुशखबरी दे रहे हैं इंशाला 17 जुलाई में इमरान खान इतों 15-17 हज़ार की लीड ना जीत रहे। तो आखिर तो मैं 96 वाले मैं आखिर तो अगर तुम्हें कोई भी मिसाइल होन कोई भी मैं क्योंकि हूँ बकायदा मेरा पहला इलेक्शन का स्टार्ट कह लो हो रहा, मैं 24 घंटे तुहाडे वास्ते मुयसर हाँ, कोई भी मेरा होर नुमाइंदा नहीं है, किसी की तुसी गल दे कान नहीं तरने, कोई भी मसला मसायल इख्तलाफात होए तुसी डायरेक्ट मैनू आके मिलना, अपना कोई सियासत का ना साबित है नहीं, मैं थोड़ा छोटा भाई वड्डा भाई और बेटा हूँ। तो आखिर तो मैं थोड़ा सारा का एक बार फिर शुक्रिया अदा करांगा स्टेज वाले मुजज़ीन दा तुहाडे सारेयां दा तमाम बरादरियां दा, इत्थे कोई बरादरी नहीं, ये मेरा घराना है 96-12 वाले। तो आखिर तो आखांगा थोड़े सारेयां दा बहुत बहुत शुक्रिया, तो आन दा तकलीफ करन दा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।